हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन नर्सिंग नॉलेज चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आप तक पहुंच सके। मैं आज आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पीडियाट्रिक का देने वाली हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको मिलती हूँ वीडियो के बाद। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीडियाट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ रेखा, मास्टर्स इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली हूँ कि जो नोट्स मैं आपको दूंगी वो पीडियाट्रिक की रामबाण है, उससे बाहर नर्सिंग एग्जाम्स के अंदर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। और ये मतलब डायरेक्ट हिट क्वेश्चंस हैं और हर एक लाइन के अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के क्वेश्चन और नोट्स के नोट्स। अगर आप इसको राइट डाउन करना चाहते हो तो साथ साथ में इसको वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं आज से पीडियाट्रिक की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, ये क्लास लगभग 25 to 30 डेज की होगी, जिसके अंदर पूरा पीडियाट्रिक का सिलेबस कवर किया जाएगा। उसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट को मैं टच करूँगी, उससे पहले ओनली पीडियाट्रिक की क्लास लूँगी, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको रीड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द वर्ड पीडियाट्रिक इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो ग्रीक और लैटिन वर्ड में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, बट इसका कोई मिनोमिक्स नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। द वर्ड पीडियाट्रिक है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। अपन पीडियाट्रिक को तीन वर्डों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे पीडिया, आइट्रिक्स एंड इक। तो पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, आइट्रिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट, एंड इक का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। फादर ऑफ पीडियाट्रिक है जेकोब अब्राहम, एंड फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन है जीविका एंड कश्यप, ठीक है। तो इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आपको रिमेंबर करना है कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक है जेकोब अब्राहम एंड फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन है जीविका एंड कश्यप। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, अपन 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं और ये 1954 के अंदर आया था। नेक्स्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन अडोप्टेड बाय यूएनओ इन 20 नवंबर 1959। यूएनओ से अपन ने चाइल्ड राइट्स ऑफ चाइल्ड अडोप्ट किए थे 20 नवंबर 1959 के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर चाइल्ड चिल्ड्रंस अगस्त 1974 के अंदर आई थी, और चाइल्ड लेबर एक्ट है वो 1986 के अंदर आया था। प्राइमरी नर्स क्या होती है? प्राइमरी नर्स है वो एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक एक सिंगल क्लाइंट को जो केयर प्रोवाइड करती है, उस नर्स को अपन बोलते हैं प्राइमरी नर्स, ठीक है। ये एक्स्ट्रा था, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। नेक्स्ट, पीडियाट्रिक नर्सिंग की अपन डेफिनेशन देखते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो केयर और ट्रीटमेंट को डील करती है, बच्चे की केयर और ट्रीटमेंट को डील करती है, और इसके अंदर अपन कॉम्प्रेहेंसिव केयर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। कॉम्प्रेहेंसिव का मतलब अपन आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो अपन को पीडियाट्रिक एज के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो अपन ने पीडियाट्रिक एज को दो भागों में डिवाइड किया है, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री के अंदर है ना 16 साल मानते हैं अपन, और जैसे डेवलप्ड कंट्री के अंदर इंक्लूड किया जाता है अमेरिका, और एक डेवलपिंग कंट्री है जिसके अंदर 18 साल मानते हैं, और इसके अंदर अपना इंडिया है वो इंक्लूड किया जाता है। डेवलप इंडिया अपना विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव केयर क्या होती है। कॉम्प्रिहेंसिव केयर का जनरल मीन्स होता है कि कंप्लीट केयर, होलिस्टिक केयर अपन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जिसके अंदर प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर आती है। तो प्रिवेंटिव का मतलब डिजीज़ को प्रिवेंट करना, ठीक है। प्रमोटिव मतलब हेल्थ को प्रमोट करना, और क्यूरेटिव मतलब जो डिजीज़ हो चुकी है उसको क्योर करना, और रिहैबिलिटेटिव का मतलब होता है जो डिजीज़ हो चुकी है उसको, पेशेंट को प्रॉब्लम हो चुकी है उसको वापस पुनः उसी अवस्था में लेके जाना जैसा वो डिजीज़ होने से पहले था, ठीक। नेक्स्ट अपन देखते हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन चार है, जिसमें फर्स्ट वन है प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं हेल्थ एजुकेशन को। जैसे कोई पर्सन है तो उसको अपन एक्सरसाइज और डाइट के बारे में अपन उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो आने वाली जो फ्यूचर की जो कार्डियक प्रॉब्लम्स है उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। तो ये क्या है? प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर अपन इम्यूनाइजेशन को इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर जो
डिजीज डेवलप नहीं हुई है उससे पहले ही अपन प्रिवेंट कर रहे हैं। जैसे बच्चा जन्म है, जन्मते अपन को पता थोड़ी चलता है कि उसको आगे मतलब आने वाले टाइम में उसको टीबी होने वाला है, लेकिन फिर भी अपन बीसीजी का वैक्सीन लगाते हैं। बीसीजी का वैक्सीन है वो टीबी को प्रिवेंट करता है 10 से 15 ईयर्स तक बेबी को, ठीक है। तो ये है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसके अंदर इम्यूनाइजेशन अपन इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को, ठीक है। किसी भी डिजीज़ का डायग्नोसिस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, चाहे वो मेडिकल हो चाहे सर्जिकल हो, वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर ही आएगा। डायग्नोसिस जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह वो सब सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। नेक्स्ट वन है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ प्रोग्रेस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज़। इस टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या किया जाता है, जो डिजीज़ हुई है उसका प्रोग्रेस और उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना ही टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। नेक्स्ट अपन एक मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे कि मम्स के पेशेंट को आइसोलेट कर रहे हैं तो वो किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा, तो वो है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का पार्ट, ठीक है, वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी न्यू बॉर्न बेबी। हेल्दी न्यू बॉर्न बेबी के क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, तो सबसे पहले तो भाई साहब वो एट टर्म पैदा होना चाहिए, ना तो टाइम से पहले पैदा होना चाहिए ना टाइम के बाद में, ठीक है। तो उसका टाइम ड्यूरेशन, नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन जो है वो 37 से लेकर 42 वीक 37 to 42 weeks है, ठीक है। इससे पहले भी नहीं पैदा होना चाहिए और इससे बाद में भी बॉर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर वो दोनों ही कंडीशन बच्चे के लिए घातक हो सकती है। नेक्स्ट इनिशिएट रेस्पिरेशन इमीडिएटली विद इन द 30 सेकेंड्स। इसके जब बच्चा यूट्रस से बाहर आ गया, एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ में आ गया, तो उसको सबसे पहले रेस्पिरेशन इनिशिएट करना चाहिए 30 सेकेंड के अंदर अंदर, तो वो हेल्दी बेबी है, ठीक है। नेक्स्ट इमीडिएटली अडॉप्ट इन द एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ। जो बेबी है वो एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ में आ गया, बाहर आ गया है, यूट्रस से बाहर आ गया है, तो उसको एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ में जल्दी से अडॉप्ट हो जाना चाहिए, तब तो वो हेल्दी बेबी है विदाउट एनी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। जैसे ही बेबी अपने सामने आता है अपन उसको देखते हैं तो उस टाइम पे अपन को चेक करना है कि उसके कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन तो नहीं है। किसी भी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन प्रेजेंट है तो बेबी हेल्दी नहीं है, और अगर उसके किसी भी प्रकार की कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नहीं है तो वो बेबी हेल्दी है, ठीक है। नेक्स्ट विद नॉर्मल पोस्चर, जो बेबी है वो यूट्रस में फ्लेक्शन पोस्चर के अंदर रहता है नॉर्मली, और बेबी बर्थ होने के बाद में भी 1 मंथ तक लगभग वो फ्लेक्शन पोर्शन के पोजिशन के अंदर ही रहता है, फ्लेक्शन पोस्चर के अंदर ही रहता है। तो जो बेबी है उसका पोस्चर नॉर्मली फ्लेक्शन होना चाहिए, तब तो वो हेल्दी बेबी है। नेक्स्ट नेक है वो शॉर्ट होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखो एमएससी इंट्रेंस एम्स के अंदर पूछा गया है कि बेबी की नेक कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटी शॉर्ट होनी चाहिए और ट्रंक है वो लार्ज होनी चाहिए। जो बेबी है उसकी एक्सट्रीमिटी शॉर्ट होती है, ट्रंक है वो लार्ज होती है और नेक है वो भी शॉर्ट होती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बेबी को, छोटे बेबी को। नेक्स्ट नॉर्मल पैरामीटर्स अपन देखते हैं। नॉर्मल पैरामीटर्स में वेट, हाइट, हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस, मिडआर्म सरकमफ्रेंस, ये सब अपन चेक करेंगे। तो जो वेट है वो जनरली बेबी का 2.5 to 3.5 kg होना चाहिए। जो 2.5 kg है वो अपन इंडियन मदर्स के जो बेबी होते हैं उनका वेट मानते हैं जनरली। ये क्वेश्चन DGHC में पूछा गया है 2017 में। नेक्स्ट हाइट है बेबी की वो 45 to 55 cm होनी चाहिए। हेड सरकमफ्रेंस है वो 33 to 35 cm होता है और चेस्ट सरकमफ्रेंस है वो 30 to 33 cm होता है, ठीक है। हेड एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस के बीच में 2 to 3 cm का डिफरेंस रहता है। हेड सरकमफ्रेंस मोर होता है चेस्ट सरकमफ्रेंस से 2 to 3 cm। मिड आर्म सरकमफ्रेंस है वो 11 to 12 cm होता है। ये क्वेश्चन जोधपुर एम्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट विद फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक, अपन अब इसका फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक देखेंगे हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लड वॉल्यूम है वो एट बर्थ बेबी की होती है 80 ml/kg वेट, ठीक है, 80 ml/kg वेट होती है। और कार्डियक आउटपुट होता है वो एट बर्थ होता है 500 ml/min, ठीक है, पर मिनट कार्डियक आउटपुट एट बर्थ, ठीक है। और जो कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड में होता है वो 225 ml/min होता है, ठीक है, 225 ml/min। नेक्स्ट स्ट्रोक वॉल्यूम होती है बेबी की एट बर्थ होती है 5 ml each contraction, प्रत्येक कॉन्ट्रेक्शन में
5 ml ब्लड है वो पम्प करता है, और अपनी एडल्ट की होती है 70 ml पर मिनट, ठीक है, पर कॉन्ट्रैक्शन। तो स्ट्रोक वॉल्यूम है ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड, गेस्टेशनल पीरियड के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे 0 to 10 weeks का जो फीटस होगा उसका जो एम्ब्रियो होगा जो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा 0.5 ml, ठीक है, 0.5 ml, और 10 to 20 weeks का जो फीटस होगा उसका होगा 1.5 ml, नेक्स्ट 20 to 30 weeks का जो फीटस होगा उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम होगी 2.5 ml, नेक्स्ट 30 to 40 weeks का जो फीटस होगा उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम होगी 3.5 ml। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है बेबी का वो 40 to 60 mg/dL होता है ड्यूरिंग फर्स्ट डे बर्थ के फर्स्ट डे पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आरबीसी बेबी की होती है 6 to 8 million per cu mm, ये यूनिट है उसकी, ठीक है। तो अपन आरबीसी पढ़ ही रहे हैं तो उसका अपन फॉर्मेशन भी जो टाइम ड्यूरेशन भी पढ़ लेते हैं कि जो प्री टर्म है उसमें कितना होगा और टर्म पे कितना होगा और एडल्ट में कितना होगा आरबीसी का लाइफ स्पैन। तो प्री टर्म पे होता है 60 days, टर्म पे होता है 80 days एंड एडल्ट में होता है 120 days। एडल्ट का काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्री टर्म और टर्म का भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट अगर अपन आरबीसी पढ़ ही रहे हैं तो अपन इसका फॉर्मेशन भी देख लेते हैं यहीं का यहीं। तो आरबीसी के फॉर्मेशन में काफ़ी डाउट्स रहते हैं, एम्ब्रियो में कहाँ होता है, फीटस में कहाँ होता है, एडल्ट में कहाँ होता है, तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अपन फॉर्मेशन को डिवाइड कर लेते हैं एम्ब्रियोनिक में, फीटल में और एडल्ट्स के अंदर। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है वो 2 parts में होती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज और लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो अर्ली में तो होती है 3 to 5 weeks पे तो होता है जो आरबीसी का फॉर्मेशन वो योक सैक में, और लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर 5 to 8 weeks के अंदर होता है आरबीसी का फॉर्मेशन लीवर के अंदर, और फीटस के अंदर होता है लीवर के अंदर, और एडल्ट के अंदर फिर आरबीसी का फॉर्मेशन होने लग जाता है बोन मेरो के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नॉर्मल वाइटल स्टैटिक्स, ठीक है, नॉर्मल वाइटल स्टैटिक्स अपन देखेंगे बेबी के। जो पल्स रेट है बेबी की वो 120 to 160 beats per minute होती है, पल्स रेट ज़्यादा होती है, रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा होती है 30 to 60 breaths per minute, ये DGHC 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड प्रेशर है वो 75 to 75/45 mmHg होता है, और टेम्परेचर वो 96.5 to 97.5 degrees Fahrenheit होता है। नेक्स्ट IgG हाईली थ्रू प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर जाती है, IgG मोनोग्लोबुलिन जी, जो जोधपुर एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। IgA थ्रू ब्रेस्ट मिल्क बेबी के अंदर ट्रांसफर होती है हाईली, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ESI के अंदर 2013 के अंदर, है ना, ब्रेस्ट के थ्रू कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफ़र होती है IgA, ठीक है। बोन एट बर्थ बेबी के अंदर बोन होती है 280 से लेके 300, इसका कोई फिक्स रेशियो मेरे को मिला नहीं है, मैंने काफ़ी देखा है, काफ़ी बुक्स के अंदर भी देखा है, लेकिन इसका रेंज के अंदर ही मिल रहा है, तो 280 to 300, और एडल्ट में होती है 206। मसल्स होती है बेबी के अंदर 650 एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे, और अपनी एडल्ट के अंदर होती है 369। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन होता है बेबी के अंदर 18 to 20 grams per cl ज़्यादा होता है, ठीक है, अपनी नॉर्मल एडल्ट्स की तुलना में बेबी के अंदर ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है। प्लेटलेट्स होती है 3.5 lakh per cu mm, ठीक है। नेक्स्ट WBC होती है 10,000 to 17,000 cu mm, ठीक है। सो कैसा लगा मेरा वीडियो, होप यू लाइक माई वीडियोज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।